रेसलिंग कैसे शुरू हुई आप लोगों की? हमने दंगल मूवी देखी थी, वो दोनों जो गीता बेटा है वो दोनों रेसलिंग करती है और अपने गाँव मम्मी पापा का नाम रेसलिंग करते हैं, तो हमने सोचा कि हम भी करेंगे रेसलिंग। स्कूल के लड़के पहले बोलते थे कि ये बनेगी पहलवान, और फिर बाद में जब हम बढ़ते गए तो कहने लगे कि इनसे दूर रहने हमें पटक देगी। मेरा नाम भारती सिंह पानी, हाँ मैं अपने गांव की पहली लड़की हूँ, मैं खड़ी हूँ। एक बार सब दंगल मूवी देख रहे थे, बस उस दिन लगा कि पापा हम तो रेसलिंग करेंगे, ये तब अभी तक इतने बनेंगे मैंने गाँव का बेटे, हमारे समाज में अलाउ नहीं है, समाज में लोग इन चीज़ों को बहुत गलत मानते हैं कि लड़की को आप कुश्ती करा रहे हो लड़के से, लेकिन इन्होंने जिद की, उनके जिद के आगे मैं हारा, मीनाक्षी भी हारी और हमने बच्चों को सपोर्ट किया। शुरू में तो सर बहुत सुनने को मिला कि बेटी हैं आपकी, आप अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, बेटे को कुछ बनाओ, और बेटियों का क्या है, बेटी तो दूसरे घर में जानी है। क्या मैंने कहा भाई जैसी मेरी बच्ची कहती है, जैसे मेरा बेटा है ऐसी मेरी तीनों बेटियाँ हैं, और मैं तीनों बेटियों को रेसलिंग कराऊंगा, मेरी छोटे वाली बेटी भी जा रही है अब। जो मुझ में भी कमी रह गई होगी मेरे बच्चों में न रह रहे, जो ये चाह रही उस समझ में जाए तो देखो कोई कुछ कहता रहे कोई कुछ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। हमारा लड़का कुश्ती में ही था और वो लड़के का सिलेक्शन हो गया आर्मी में, उसके बाद बेटी बच गई, अब वही जुनून हमारा बेटी का है, ये खुद भी रेसलर बनना चाह रही है और हम भी रात दिन हर तरीके से इसके साथ है, इसे ले जाना, इसे प्रैक्टिस करवानी। तो कोई आस पड़ोस में रिश्तेदारों में कभी लोगों ने बोला नहीं क्या करवा रहा है लड़की को? कहते रहो जी, हमें तो जो अच्छा लगेगा वो करेंगे, लड़का लड़की में कोई भेद नहीं रखना, इतनी लड़की इतना ही लड़का। लड़की को तो हमने अभी किया है शुरू, ये भारती से शुरू किया है, जैसे लड़के हैं ऐसी इससे समझता हूँ, पूरी प्रैक्टिस है उसी आधार से कराता हूँ, तो मैं यही देख रहा भाई चलो अभी इसकी रुचि बढ़ती जा रही है, कुछ और हम भी हिम्मत करेंगे और इसके पापा को भी कहेंगे भाई और लाइट रूट बढ़ा थोड़ा बहुत। वैसा अजीब सा लगा था क्योंकि यहाँ गाँव में इधर कोई पहलवान नहीं तो करती इन लड़की, लेकिन इन्होंने दंगल फिल्म जब से देखी तो इनको बहुत शौक लग गया, इनको तकरीबन 5-6 महीने हुए हैं और अभी स्टेट पर जो सेगुन है उसका दूसरा नंबर आया है पूरे यूपी के अंदर, तो मतलब वैसे भी लड़कों को भी किस्मों को इन्होंने दंगल में कुश्ती में हरा दिया, बहुत ही अच्छे मतलब पहलवान ने, यानी कि अगर हमें सुविधा अच्छी सी मिल जाए तो ये बहुत ओलंपिक तक जा सकती है। जब तक हम इंटरनेशनल में घूमने लगते तब तक तो ये करते रहते, ओलंपिक तक जाना। कौन सा मेडल लेके? जो गोल्ड। दंगल फिल्म कौन सा डायलॉग कौन सा अच्छा लगा सबसे? वो वाला डायलॉग ज्यादा अच्छा लगता है कि हमारी छोरियां छोरे से कम होती है।